कर दें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। शुक्रवार को लगभग राज्य के विधानसभा चुनाव का नामांकन का अंतिम दिन था, जिसके चलते राज्य की हर विधानसभा हर सीट पर अपना नामांकन दर्ज किया है। ऐसे ही एक कांग्रेस के विधायक राजू के उम्मीदवार राम रतन बापू, इन्होंने भी अपना नामांकन आमगांव विधानसभा से दर्ज किया। लगभग आज अपक्ष तौर पर उम्मीदवार राम रतन बापू ने अपना नामांकन देवरी तहसील के चुनाव अधिकारी के समक्ष दर्ज कराया। सबसे पहले उन्होंने महामानव परम पूजनीय भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लेकर रैली की शुरुआत की। उसके बाद क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का पूजन करके अपने रैली को आगे बढ़ाया। उनके साथ भारी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार के साथ जनसैलाब उमड़ पड़ा। बापू साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बापू साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद है देवरी का, यह बौद्ध विहार इलाका है। इस इलाके में हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं। लगभग आज यहां से जो पूर्व कांग्रेस के जो विधायक रह चुके हैं और जिनकी छवि एकदम बेदाग है, ऐसे जो उम्मीदवार है उन्होंने निर्दलीय क्यों लड़े हैं, वो अभी उन्होंने नामांकन भरने के लिए उन्होंने अभी यहाँ से रैली निकल रही है उनकी, और वो क्यों लड़ना चाहते हैं निर्दलीय, इस पर हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। बापू साहब, आप सबसे पहला मेरा सवाल है कि पिछले जो 5 वर्ष का जो आपका कार्यकाल रहा है, यानी आप जब कांग्रेस में जब विधायक के तौर पे थे, तो आपने बहुत सारे यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए जो काम किए थे, तो उसमें क्या बचा हुआ है वो बताइए हमें पहले। इसमें एक बहुत बड़ा काम बचा हुआ है। मैं चाहता था कि इस क्षेत्र का क्षेत्र को दुष्काल मुक्त किया जाए। एक सिरपुर पैटर्न के माध्यम से यहाँ जो पानी की व्यवस्था की जाए जो किसानों के लिए, वो मेरा एक अधूरा काम, मेरा सपना है, वो अधूरा रह गया। उसके लिए मैं फिर से यहाँ शासन में जाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस ने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने, मुझे उनको मालूम होते हुए भी कि इसने इतना बड़ा काम किया है यहाँ, शिक्षा से लेकर, आदिवासी के शिक्षा से लेकर, और भी जो है बड़े बड़े जैसे पलांदुर जैसे ठिकान में जहाँ कभी वो आईटीआई नहीं हो सकती, वैसी मैं उधर के बच्चों के लिए हमारे बच्चों को प्रशिक्षण मिले, इसलिए वहाँ सीएम साहब से लड़ झगड़ के वहाँ मैं एक आईटीआई लाया था। उसी सब तरह यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में जगह नहीं मिलती थी, तो हाँ हमने यहाँ हर तालुका में बड़े बड़े हॉस्टल निर्माण करके मेरे आदिवासी बच्चों के लिए, और जो स्ट्रेंथ थी कि जो 25 जहाँ 75 बच्चे रहते थे वहाँ 150 बच्चे रहने का हमने उस व्यवस्था कराई दी। अच्छा, अभी यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो बड़े दिग्गज पार्टियाँ वगैरह जो है, या जो भी अभी जो राजनीतिक गलियारा है, उनमें एक ही लोगों के दिल में सवाल उठ रहा है कि आप निर्दलीय क्यों लड़ना चाह रहे हैं, उस बारे में थोड़ी बताइए हमें। ये यहाँ मेरा अधिकार फिर से हो रहा था, और दूसरी बात कि जो यहाँ जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उससे मैं, उसने मेरे को अनेक जगह पे मेरा अपमान करना, अनेक कि मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस व्यक्ति ने ये भी बोला कि अभी बोले बापू साहब की तबीयत ठीक नहीं है और कुछ ही दिनों के साथ ही है, इस तरीके के वक्तव्य करना वो उचित नहीं था, और वो बात मुझे मेरे दिल को लगी ये बात। और दूसरी बात कि अभी कांग्रेस में माफिया लोग जो आए हैं, जो टिकट की खरीद बिक्री होती है, तो ऐसे लोगों का, और मैं, इन्होंने पैसा देके टिकट लाया है, पैसा लेने वाला भी यहाँ पैसा लेने वाले जैसे यहाँ गद्दार कांग्रेस को बाहर से आए हुए, बाहर के पार्टी से आए हुए लोगों के हाथ में कांग्रेस की सत्ता देने के कारण एक यहाँ कांग्रेस डूबने वाली है, और आने वाले दिनों में मैं तो ऐसा सब देख रहा हूँ कि इनका वो जो चित्र दिख रहा है महाराष्ट्र के अंदर हमारे कांग्रेस के नेताओं का, तो कब यहाँ उत्तर प्रदेश हो वहाँ 5-5 आमदार के लिए तरसना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक सवाल मेरा चैनल के तरफ से ये सवाल था कि आपके कौन से वाले बचे काम हैं जो भाई आप पिछले जो 5 सालों पहले आप जब विधायक थे वो नहीं कर पाए, और वो अभी आप क्या करना चाहेंगे? मेरे एक बचा हुआ काम था, आमगांव की बात कहूँ, आमगांव शहर की बात कहूँ, तो वहाँ
400 कमरे का संकुल बनाने का मैंने मंजूरी करके लाया था, जिससे बहुत बड़ा हमारे ज़िले का सबसे बड़ा हाईटेक मार्केट होने वाला था। उसी प्रकार मैंने वहाँ यहाँ के बच्चों को, किसानों के बच्चे हैं बाहर, उनको दूसरा रोजगार नहीं मिलता तो कम से कम अपने खेती में अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, तांत्रिक ज्ञान प्राप्त करे और अपने खेती में अच्छा काम करे, तांत्रिक दृष्टि से खेती करे। ये उद्देश्य से मैंने यहाँ कृषि महाविद्यालय लाया था, जो मंजूरी के बाद में तत्काल पिछले 2014 में तत्काल आचार संहिता लग गई, वैसी रह गया। और चुनाव होने के बाद सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद वो उसका कुछ नियम है, कुछ साल तक हर साल कृषि महाविद्यालय, शासकीय कृषि महाविद्यालय मिलता नहीं है, लेकिन वो उनको आईता हमारा जो है, हमारे यहाँ के वित्त मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में मूल जैसे ठिकान में इसको स्थापित किया है, जो आदिवासी क्षेत्र के हमारे जो कृषि महाविद्यालय, अभी हमारे बच्चों को अकोला, नागपुर और राहुरी वाहुरी अपनी कृषि की डिग्री लेने के लिए जाना पड़ता था, आज वो हमारे देवरी में हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ के वहाँ डिग्री हासिल कर सकते थे। लगभग जैसा कि दर्शकों आपको अभी हमने बताया कि इनके जो अधूरा एक कृषि महाविद्यालय का जो सपना था, यहाँ के जो स्थानीय जो आदिवासी समाज के और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो काम बचे हुए हैं, वही कामों को यह पूर्ण मूर्त रूप देने के लिए फिर से अपनी आज इन्होंने निर्दलीय का फॉर्म भरने का एक कार्यक्रम ये किया है। अभी इनकी रैली निकल रही है, हम हमारे दर्शकों को रैली भी दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़। मैं कैमरामैन नीलेश पेशिनी के साथ निशांत भाई। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल पर भी हमारी खबरें देख सकते हैं। इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। Vivo S1. It's my style. Vivo.